भरतपुर के जिला आरबीएम अस्पताल में देर शाम एक मृतक के परिजनों ने शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। डॉक्टर द्वारा एम्बुलेंस के लिए मना करने पर गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया और अस्पताल में पत्थरबाजी कर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बताया कि शाम को राजेंद्र नगर निवासी ओम प्रकाश, जो कि करंट लगने से घायल हो गया था, जिसे उसका पुत्र सहदेव एवं 5-7 अन्य लोग अस्पताल लेकर आए थे, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। जिसके बाद परिजन शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस की मांग करने लगे। डॉक्टर के मना करने पर उन लोगों ने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। पत्थरबाजी में अस्पताल के गेट का शीशा टूट गया, जिसके बाद थाना मथुरा गेट पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी वहां से जा चुके थे। आज शाम को 6:45 पर एक डेड बॉडी आई थी और उनका नाम था डेड बॉडी का ओम प्रकाश, सन ऑफ रामदेव, एज थी 58 ईयर्स और एड्रेस है उनका 265 राजेंद्र नगर भरतपुर। उनको लेके आए थे, उनका बेटे थे उनके सहदेव, और क्या कहते हैं उनके साथ 5-7 आदमी और थे। तो जब हमने डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये डेड हो चुके हैं, ECG हो गई, स्टेट लाइन आ गई, तो हाँ डेड ही थी वो पहले से ही। तो उसमें क्या था कि उन्होंने कहा कि हमें एम्बुलेंस चाहिए, मतलब एम्बुलेंस से हमें डेड बॉडी को भिजवाओ। जब हमने मना कर दिया क्योंकि रूल्स के मुताबिक जो है डेड बॉडी के लिए एम्बुलेंस नहीं जाती है, तो उन्होंने फिर यहाँ बाहर तोड़फोड़ शुरू कर दी। ईंटों से बाहर जो कांच लगे हुए हैं वो तोड़ दिए और अंदर भी आके बहुत हंगामा किया। फिर हमने मथुरा गेट थाने पे फ़ोन किया, पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने सारी डिटेल ली और वो आगे इंक्वायरी कर रहे हैं उस मामले में। मेरा नाम डॉक्टर राजीव भारद्वाज।